मूवी स्टार्ट होती है और हमें मूवी के स्टार्ट में तीन लड़कों को दिखाया जाता है जो कि दोस्त होते हैं। इनमें से एक लड़का अपने पास बैठी एक लड़की को इनमें से एक की कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है उसकी बहन का किसी ने मर्डर कर दिया था और उसी की बहन का बदला लेने के लिए वो लोग इस क्लब में आए हैं। साथ ही वो अपने एक दोस्त काय के बारे में भी बताता है। एक बार काय की लड़ाई स्प्रिट से हुई थी जिसे उन्होंने अपनी पावर्स दे दी थी। उसके बाद वो उस लड़की को बताता है वो एक आखिरी वो सिन है जिसके पास इंसान से ज्यादा पावर होती है। और अब हमें पता चलता है कि वो लड़की भी मैजिकल और चाइनीज वैम्पायर फैमिली से बिलोंग करती थी और ये लड़का जो कि उसे सारी कहानियां सुना रहा है वो भी इसके बारे में सब कुछ जानता है। और फिर हमें इन दोनों के बीच फाइट दिखाई जाती है और इसके दोस्तों की भी फाइट दिखाई जाती है। और ये लोग जब उस लड़के के हार्ट पर अटैक करते हैं तभी वो लड़का और वो लड़की जिसको कहानी बताई जा रही थी दोनों गायब हो जाते हैं। तभी क्लब में सब लोग पॉज हो जाते हैं जैसे कि वहां पर टाइम रुक गया। तभी वहां पर एक पावरफुल इंसान इन्हें एक मैसेज देता है और इनसे मिलने के लिए कहता है। जब ये लोग उस आदमी से पूछते हैं कि ये उनसे क्यों मिलना चाहता है तभी वो आदमी उनसे कहता है कि मेरी बताई हुई जगह पर जब तुम आओगे मैं तभी बताऊंगा कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ। और ये लोग उस आदमी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और ये जगह थी बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी जो कि वो इंसान चला रहा था। और ये आदमी बहुत ज्यादा अमीर था। ये आदमी एक डॉक्टर था और ये अपना नाम विलियम बताता है। ये इन तीनों दोस्तों से कहता है कि क्या तुम उस पहले इंसान को जानते हो जिसने ये दुनिया ये कायनात और ये आसमान बनाया। वो कहता है कि उस पहले इंसान ने जब ये सब कुछ बना लिया तो उसके बाद उसके मन में लाला पर वो पहले से ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था लेकिन तभी दूसरे इंसान ने भूसाओं की मदद से उसे मार दिया। वो बताता है कि भूसाओं की नस्ल अब जल्द ही खत्म होने वाली है और अब भूसाओं का आखिरी आदमी ही बचा है जिसके बाद भूसाओं की नस्ल अब खत्म और हमें पता चलता है कि भूसाओं का वो आखिरी आदमी काय है। वो बताता है कि जब दुनिया के पहले इंसान को मारा गया था तो उसकी मदद दो इंसानों ने की थी ताकि उस पहले इंसान को ना मारा जाए लेकिन वो मर गया। तभी से वो दो इंसान लड़ रहे हैं और वो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो पहला इंसान वापस सके। उसके बाद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो वो ये बताता है कि उसकी अपनी बहन उन दोनों इंसानों के लिए काम कर रही है। वो बताता है कि उसकी बहन अपने आप को इस शहर की मलिका समझती है और तो और आसपास के लोगों की एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है जिससे उसे पावर मिलेगी और वो उस पहले इंसान को वापस ला सके। इसके बाद वो बताता है कि उसकी बहन उस आखिरी भूसाओं की भी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना चाहती है मतलब कि काय। और वो बताता है कि वो उस भूसाओं को मारने भी गई लेकिन तभी उसके सामने काय की दोस्त की बहन आ गई जिसकी वजह से काय की दोस्त की बहन का मर्डर हो गया यानी कि इसकी बहन ने उसे मार दिया। वो बताता है कि उसकी बहन ने जब काय की दोस्त की बहन को मारा था तो उसने अपना थैलिसम वहीं पर छोड़ दिया जिसका दूसरा थैलिसम मेरे पास है और ये इस बात का सबूत है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी वो उनसे कहता है कि अगर तुम अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहते हो तो तुम मेरी बहन से थायराइड की मीटिंग में मिलो वहाँ से तुम उसे किडनैप कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वापस आ जाते हैं और काय उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को उस मीटिंग में लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन वो दोनों दोस्त मान नहीं रहे कि काय वहां पर अकेला जाए। लेकिन वो दूसरा दोस्त जो लड़की को मूवी के स्टार्टिंग में कहानी सुना रहा था वो ज्यादा जिद कर रहा था कि वो भी मीटिंग में जाना चाहता है। तो वो दोनों दोस्त मीटिंग में जाने का प्लान करते हैं और उन्हें वहां पर एक लड़की भी ज्वाइन करती है जिसका नाम प्रिया है। तब ये लोग वहां पर चले जाते हैं और इन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता लेकिन डॉक्टर की बहन को ये खबर हो जाती है कि ये लोग उसे किडनैप करने आए जिस बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो मीटिंग में जाकर अपने बॉस की एनर्जी को ही कंज्यूम कर लेती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पजेस कर लेती है और ऑर्डर देती है कि ये लोग उन तीनों को मार दें। और ये सब लोग को के हुक्म पर चल रहे थे क्योंकि कोई भी अपने होश में नहीं और था। यहाँ पर ये तीनों लोग सबसे बचकर कैसे न कैसे निकल जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। वो दरअसल उसी अमीर इंसान की बहन है जो कि उस पहले इंसान को वापस लाना चाहती है। उसके बाद वो काय की जानने वाली एक लड़की को उसे मारने के लिए कह देती है। वो उस लड़की से कहती है अगर तुम काय को मार दोगी तो मैं तुम्हारी पावर बढ़ा दूंगी और अब वो भी काय के सामने उसे मारने के लिए आ जाती है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और अब इनका इनमें से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि सब लोग इन्हीं के पीछे पड़े हुए और अब वो लोग उन सबको अपनी फाइटिंग स्किल सिखाते हुए वहां से निकल जाते हैं। वहां पर भी प्रिया की बहन इन लोगों का पीछा कर रही है इससे बचने के लिए लोग भागते भागते प्रिया के गाँव पहुंच जाते हैं जो कि इन तीनों में से एक लड़की की दोस्त थी। और वहां पर इन तीनों में से एक लड़की का जानने वाला एक ऑफिसर था जो कि वक्त पर वहां पर पहुंच गया और इन तीनों को इस गांव में पहुंचा दिया। तभी प्रिया उन तीनों को एक पादरी से मिलवाती है और वो पादरी काय को एक ब्रेसलेट देता है और उससे कहता है कि ब्रेसलेट तुम्हारी हिफाजत करेगा। और तो और इस गांव में एक स्पेल था जिससे इस गांव के इर्द गिर्द एक शील्ड बनी हुई जो कि एक पेज पर लिखा हुआ था जिसकी वजह से
विलियम की बहन और उसके आदमी तीनों दोस्तों को यहाँ पर मारने के लिए नहीं आ सकते थे। ये तीनों दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सेफ थे और अब ये रात को खाना खाते हैं। और इस टाइम ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, तभी पादरी इन तीनों को बताता है कि विलियम ने इन तीनों से झूठ बोला, वो अपनी बहन के साथ नहीं है। लेकिन हकीकत तो यह है कि ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और उन दोनों का मकसद दुनिया के पहले इंसान को वापस लाना है, जिसकी मदद से वो दोनों मिलकर दुनिया को पहले सिरे से बनाएंगे, जिसके बाद वो दोनों इस दुनिया को अपने मुताबिक चलाएंगे। इसके लिए उन्हें काय की एनर्जी की जरूरत है क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं और वो बॉस इनकी फैमिली से है। और अब वो काय से कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि उस गांव में जो स्पेल्स हैं वो उसकी हिफाजत करेंगे और जब तक तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो तुम इस गांव से बाहर मत जाना। अब वो लोग तो यहां पर सेफ थे, लेकिन बात तो तब बिगड़ती है जब विलियम की बहन कुप्रिया को मैसेज करती है और कुप्रिया से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली की डेथ हो गई थी और तुम अब इस पादरी के साथ रहती हो और अगर तुम चाहो तो अब भी तुम्हारी फैमिली वापस आ सकती है। एक तरह से कुप्रिया को लालच दे रही थी। कुप्रिया से कहती है अगर तुम अपनी फैमिली को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें इस गांव से स्पेल को हटाना होगा। प्रिया जो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रोती थी वो इसकी बातों में आ जाती है और इस गांव से उस स्पेल को खत्म कर देती है और कु के कहने पर तहरीसम भी चुरा लेती है और साथ ही साथ वो कु को और उसके आदमियों को भी गांव में आने देती और है। ये थैलिसम वही जो इन तीनों में से एक दोस्त की बहन को मारने के लिए उसके पास रख दिया गया था और अब इन सबके दरमियान लड़ाई होने लगती है। तभी ये सब वहाँ से भाग जाते हैं और इन सबको ये भी पता लग जाता है कि ये सब कुछ प्रिया ने किया। उसी ने जाकर ये थैलिसम कु को दिया और उसी ने उन स्पेल्स को हटाया जिसकी वजह से कु के आदमी उसे मारने आ गए और यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट होती है जिसके बाद ये लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद पादरी इन सब लोगों से लड़ता है और लड़ते हुए पादरी की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिया को भी कु पकड़ कर ले जाती ये है ये कहकर कि हम तुम्हारी फैमिली को वापस लेकर आएंगे। दूसरी तरफ वो तीनों दोस्त भी बहुत ज्यादा परेशान थे। उनमें से एक दोस्त कहता है कि हमें एक अनजान लड़की को अपने साथ नहीं रखना चाहिए था, ना ही उस लड़की पर इतना ट्रस्ट करना चाहिए था। और यहाँ पर उनकी लड़ाई होने लग जाती है। उनमें से एक दोस्त ये बताता है कि जहाँ पर विलियम ने अपनी कंपनी बनाई हुई वहाँ पर दुनिया के पहले इंसान को वॉटसन ने मारा था। अब इसी बात का पता लगाने के लिए ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर उन्हें प्रिया भी मिलती है जो कि अपने किए गए जुर्म पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि पादरी की डेथ हो गई है और उसे कु के लोगों ने ही मारा है। प्रिया इन सबसे माफी मांगती है और कहती है ये सब मेरी ही गलती है, मुझे लालच दिया गया था कि मेरी फैमिली को वापस लाया जाए। दूसरी तरफ वो लड़की जिसको कु ने लालच दिया कि तुम काय को मार दो तो मैं तुम्हें पावर्स दूंगी तो वो काय से फाइट करती है, लेकिन काय तभी उसी ब्रेसलेट का इस्तेमाल करता है जो उसे पादरी ने दिया उसकी हिफाजत के लिए, इसीलिए वो ब्रेसलेट उसकी हिफाजत करता है जब वो लड़ रहा था। तभी काय उस लड़की को वो ब्रेसलेट पहना देता है। वो लड़की उस ब्रेसलेट की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। काय उस लड़की को मार देता है। दूसरी तरफ विलियम भी इनके सामने आ जाता है और इनमें से एक दोस्त को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और काय से भी फाइट करता है और काय की एनर्जी अब्सॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों थैलिसम को मिलाता है और दुनिया के पहले इंसान में तब्दील हो जाता है और अब विलियम के पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो किसी भी इंसान को पजस भी कर सकता था। तो काय का वो दोस्त जिसको विलियम ने बहुत ज्यादा मारा इस वजह से वो जख्मी हो गया था और बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए काय उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो दुनिया का पहला इंसान होश में लाता है और उसे पजस कर लेता है। अब काय का दोस्त उसी पर अटैक कर देता है। वो दुनिया के पहले इंसान का हुक्म मानकर काय पर अटैक कर रहा था। इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। दुनिया का पहला इंसान उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और हंस रहा था, लेकिन वो अपनी पावर्स के नशे में काय की पावर्स और उन दोनों की दोस्ती को भूल जाता है। और यहाँ पर काय अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को होश में ले आता है और वहाँ पर प्रिया इनमें से एक लड़के के साथ मिलकर उस थैलिसम को तोड़ देती है। और हम देखते हैं कि दुनिया का पहला इंसान काय के साथ दलदल में जा रहा अपने साथ काय को भी अंदर खींच रहा होता है। इस दलदल के दूसरी तरफ अलग ही दुनिया, उसके दोस्त उसे दलदल में जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए वो अपने दोस्त की तरफ रस्सी फेंकते हैं ताकि वो किसी गलत दुनिया में ना चला जाए। वहाँ पर दूसरा दोस्त भी रस्सी पकड़ता है और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उस दलदल में कूद जाता है। और यहाँ पर ये दोनों दोस्त मिलकर दुनिया के पहले इंसान से फाइट करते हैं। काय अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और दुनिया के पहले इंसान के दिल पर हाथ लगाता है, जिसके बाद वो तड़पने लगता है और मरकर वहाँ से गायब हो जाता है। और इन दोनों के दोस्त इन दोनों को बाहर खींच लेते हैं और आखिरकार इन दोनों ने दुनिया के पहले इंसान को मार दिया और ये लोग अपनी लड़ाई में जीत गए। लास्ट सीन में हमें काय को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों को बता रहा था कि उसे एक नए मिशन पर जाना है और उसका मिशन है कि एक जादूगर जो कि दुनिया में तबाही लाना चाहता है और उसका केस पिछले केस से मिलता जुलता है और उसके बारे में जानने के लिए उसे अब निकलना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।